एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा, शनि देवता अगर सातवें भाव में यहाँ पर विराजमान है और आपकी मिथुन लगन यानी तीन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मिथुन लगन की कुंडली है, तो इसका क्या फल होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चली आ रही है, छह भावों के बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ, आज सातवें भाव के बारे में इन डिटेल बात करूंगा। दोस्तों, मेरी वीडियो काफी डिटेल होती है, लाइक शनि की, शनि देवता के साथ अगर और कोई भी प्लैनेट आपके कंजंक्शन में है सातवें भाव में, उसके बारे में भी बताता हूँ, और भी जो योग अच्छे बन सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको नॉलेज देता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप है, मेरा वेबसाइट है, जो वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे मिल जाएगी, वहां पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। अब ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, बात हो रही है मिथुन लगन में शनि देवता अगर सप्तम भाव में विराजमान हो तो उसका क्या फल होता है। दोस्तों, जैसे कि मिथुन लगन की कुंडली में शनि देवता आठवें और नवम भाव के स्वामी होते हैं, मूल त्रिकोण साइन जो है वो नाइन्थ हाउस में पड़ती है, जो कि उनकी एक्वेरियस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे शनि देवता अष्टम भाव जो कि त्रिक भाव है उसके मालिक होते हैं, और नवम भाव जो कि भाग्य भाव, धर्म का भाव और दूर की यात्राओं का, हायर एजुकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। इन दोनों की जो लॉर्डशिप है, तो मालिकियत है, वो शनि देवता के पास है। अब कंडीशन ये है कि शनि देवता आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, यानी नवम का स्वामी, नवम भाव और अष्टम भाव का स्वामी आकर आपके सप्तम भाव में बैठ गया है। दोस्तों, पहली बात तो बता दूं, एक बहुत अच्छा श्लोक है जो कि बताता है कि यदि शनि बृहस्पति के साइन में बैठे हों, वो उस स्थान को अच्छा करते हैं विद द टाइम, मतलब समय के साथ उसको बेहतर करते जाते हैं। उसी प्रकार से अगर शनि के स्थान में यानी कि शनि की राशियों में बृहस्पति बैठे हों, तो समय के साथ उसे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वीक करते जाते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि श्लोक भी मैं आपको बता देता हूँ। जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीव, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। यहाँ पे जो जीव शब्द है ये बृहस्पति को कहा गया, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक होते हैं, और जैसे कि आपने शनि के बाद जैसे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसका मतलब क्या होता है। अब शनि देवता अगर यहां बैठते हैं दोस्तों, सबसे पहले शनि देवता मैच्योरिटी को दर्शाते हैं, एक एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं, और एक स्लो डिसीजन मेकिंग को भी दर्शाते हैं, और डिलेस को दर्शाते हैं। शनि अगर यहाँ पे बैठते हैं तो ऐसा इंसान अपने पार्टनर को मैच्योर देखना पसंद करता है, यानी कि समझदार इंसान। और ज्यादातर किस्सों में ये देखा जाएगा कि इनको एक तो मैच्योर पार्टनर या तो पसंद आएगा, या तो इनका जो पार्टनर होगा वो काफी समझदार काइंड, या फिर एज वाइज इनसे बड़ा होगा, या फिर कुछ लोग होते हैं ना एज में कम होते, पर बातें जो है बहुत ही, बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है बहुत ही कोई ओल्ड आदमी बात कर रहा है, उस तरीके से बात करते हैं, ऐसा इंसान हो सकता है, और बहुत ही पेशेंस रखने वाला इंसान हो सकता है। तो शनि का यहाँ पे होना एक तरीके से मैं कहूंगा ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर है वो मैच्योर होना चाहिए और होगा, बेसिकली मैच्योर आदमी से आपकी शादी होती है। मे बी समटाइम ऐसे देखा जाता है कि आपका पार्टनर आपसे एज में बड़ा है, या फिर ऐसे देखा जाता है एक्सपीरियंस वाइज काफी ज्यादा एक्सपीरियंस, यहाँ मेरा कहने का मतलब है एजुकेशन में बहुत बड़ा एक अंतर है आप दोनों के बीच में, ऐसे कास्ट के बीच में हो सकता है, कास्ट अप डाउन हो सकती है, ऐसी चीजों में देखने मिलता है। तो ये चीज दिखाती है, और यहाँ पे शनि का बैठना कहीं से भी मैं बता दूं विवाह के लिए दिक्कत नहीं देता है। पहले अगर बहुत लोग के दिमाग में रहता है कि शनि देवता सेवंथ हाउस में बैठे हैं तो विवाह में प्रॉब्लम आएगी, हाँ विवाह कुछ डिले से होता है, ऐसे को सजेशन भी दिया जाता है कि विवाह आप थोड़ा 30 के आसपास करें तो अच्छा होता है, आपके डिसीजंस काफी फर्म और सही होते हैं उसमें, ये एक सिंपल सी सलाह है। दूसरा ये भी दिखाता है शनि का यहाँ बैठना कि कहीं ना कहीं ये भाग्य भाग्योदय के लिए बहुत सपोर्टिव, यानी कि विवाह के बाद भाग्योदय की तरफ इशारा करता है ये। अब एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति देवता जुपिटर यहां पर या यहां पर बैठे हुए हैं, उनके लिए क्योंकि जुपिटर की एस्पेक्ट शनि पे पड़ेगी तो करियर बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में करियर वाइज कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और वाइफ के आते ही उनका बहुत तगड़ा मैं कहूंगा भाग्योदय
देखने मिलेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा है कि करियर वाइज यानी कि जॉब अगर वो बंदर पर्सन कर रहा है, अगर वो जॉब करियर में है, बिजनेस में नहीं है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि बहुत स्मूथ लाइफ देगा और अच्छी कंपनियों की अपॉर्चुनिटीज देगा और अच्छे करियर की तरफ लेके जाएगा। बृहस्पति जैसे कि मैंने कहा या तो तीसरे भाव में या तो ग्यारहवें भाव में एज आई शो यू, ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है मैं कहूंगा। ठीक है, अब शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। जब शनि यहां पे बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है नवम भाव पे, सातवीं पड़ती है आपके लगन पर और दसवीं पड़ती है फोर्थ हाउस पे। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पे भी होती है वहां से हैप्पीनेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि हो सकता है जो लंबी यात्राएं हो बहुत बार आपको उतनी पसंद ना आए, या फिर हो सकता है आप जैसा सोच के वैसी प्लानिंग उतना हैपनिंग ना हो पाए। पिता से अप्रिशिएशन मिलने में भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपकी चाह हो कि अब जल्दी अप्रिशिएशन ना मिले पिता से, ये भी दिखाता है। और थर्ड एस्पेक्ट है तो हायर स्टडी यानी कि मास्टर्स जब आप करेंगे, बैचलर के बाद जब मास्टर्स के लिए ट्राई करते हैं, किसी प्रकार के हायर डिग्री के लिए जब आप करते हैं या फिर विदेश में जाके स्टडी करने के लिए देखते हैं, उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा टू गेट हैप्पीनेस, टू गेट सक्सेस इन दैट। ओके, तो शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ा सा आपसे जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क मांगती है, आपका एक तरह से वो ये चेक करती है कि आपके अंदर खुद से हिम्मत है, यानी कि एक तरह से बोलते हैं ना कि आप में कितनी हिम्मत है, डिसीजन लेने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो ये उसकी तरफ एक इशारा करता है। बहुत बार शनि की दृष्टि आपको कुछ अलग डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है, जो कि आप किसी समाज के डर से या किसी न किसी डर से या फिर कोई अपने अपनी कमी के वजह से नहीं ले पाते हैं, उसके तरफ ये पुश करती है कि वो डिसीजन आप लें। ठीक, शनि की सातवीं दृष्टि जो आपके लगन पे पड़ रही है, वो शनि वो बेसिकली आपको सैटर्न अगर आपके लगन को देखता है तो बहुत बार क्या होता है, इंसान थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नेचर का हो जाता है, मतलब हर चीज में वो कॉम्पिटिशन और थोड़ा सा चीजों को इस तरीके से चलता है कि मैं फर्स्ट पे हूँ या फिर सेकंड पे हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा वो देखिए, इसमें बुद्ध देवता को भी देखना पड़ेगा आपको, बट स्टिल थोड़ा सा ये स्वभाव इंसान के अंदर दे देता है कॉम्पिटिटिव नेचर का। बस यहाँ पे इंसान को जलन की भावना से इंसान को बचना चाहिए, जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, जो कि टेंथ एस्पेक्ट पड़ती है फोर्थ हाउस पे, शनि की दसवीं एस्पेक्ट कर्म मांगती है, यानी कि जैसे कि घर बनाने के लिए आपको कुछ विशेष कर्म जरूर करने पड़ेंगे जीवन में, मतलब कुछ कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ कार्मिक डीड्स हो सकता है, मे बी लिटिगेशन के थ्रू आपके पास लैंड आए, मे बी हो सकता है मदर या फिर किसी भी प्रकार से कुछ हो सकता है डिफरेंट, जो कि नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट कर्म करके वहां से कुछ बेनिफिट मिले आपको। तो यहाँ पे भी एक तरह से मैं कहूंगा कर्म का सिद्धांत है, यहाँ पे शनि देवता कर्म मांगते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा फॉर हाउस, फॉर व्हीकल, टू गेट हैप्पीनेस इन योर इनसाइड द हाउस, तो ये इन सब चीजों के लिए विशेषकर। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस पे। शनि देवता अगर यहाँ पे मंगल के साथ बैठे हुए, मंगल देवता के साथ मार्स जो कि सिक्स और इलेवेंथ के स्वामी है, तो ये कॉम्बिनेशन दोस्तों एक तरीके से अगर मैं इसे देखता हूँ बिजनेस के लिए काफी अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है, बिजनेस के हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूं तो। और साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन डिफिकल्टीज और कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स और व्यूज में कह सकते हैं ना कि व्यूज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होना, ऐसी चीजों को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी जरूर करता है, क्योंकि दो मैलेफिक्स आ गए हैं और दोनों ही एंटी, मतलब एक पेशेंस है तो एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और एक एनर्जी बर्स्ट है, तो और एक तो दूसरा जो है कोल्ड है, तो उस हिसाब से दोनों ये दो एनर्जी जो है विवाह को थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं और इनकी दशाएं तथा दशाएं भी विवाह के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो अगर दशाएं चल रही हैं मंगल देवता की तो कोशिश करिए कि उनके उनकी अंतरदशाओं में या उनकी दशाओं में विवाह हो, थोड़ा सोच समझ के करिए कि विवाह का डिसीजन आप जो ले रही हैं वो सही रहे।
सपोज यहां पर मर्कुरी जो लग्न के मालिक हैं, यानी फर्स्ट और फोर्थ के मालिक मर्कुरी देवता अगर बैठ जाता है शनि के साथ, तो अगेन ये उसी तरफ इशारा करता है कि आपके नेचर में सैटर्न वाली पर्सनालिटी काफी दिखेगी, काफी प्रैक्टिकल पर्सन होगे। बिजनेस के लिए हालांकि ये कॉम्बिनेशन अगेन अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम ये परेशान करता है आपको इनर पीस के लेवल पे, परेशान करता है आपको मॉम के साथ जो रिलेशन है उसमें भी कुछ हद तक परेशानियां देता है। देखिए अगर मून यहाँ पे खराब हो गया तो ये ज्यादा लेवल पे हार्म करेगा, अगर मून आपका चार्ट में अच्छा है तो ये काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा आपके जीवन में दिखाई नहीं देगी रिलेटेड टू मॉम, बट हाँ इनर पीस का इशू थोड़ा बहुत जरूर देगा ये। उसी प्रकार से अगर वीनस, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे वीनस बैठे हुए हैं शनि के साथ जो कि फिफ्थ एंड ट्वेल्थ के मालिक हैं, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं प्रेम विवाह की तरफ इशारा करता है और ये भी शो करता है कि आपका जो पार्टनर है वो अदर कास्ट या अदर स्टेट या फिर अदर कंट्री से भी हो सकता है। तो देखिए पैसे के लिए ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल ठीक है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कॉम्बिनेशन, तो अगर मैं देखूं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मनी पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन को एक तरह से मनी वाइज भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ ये है कि थोड़ा लव मैरिज की तरफ ये फोकस करता है। आप इसमें भी एक चीज रहेगी, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो लव मैरिज आसानी से नहीं होगी, बहुत उठापटक करने के बाद ही हो पाएगी, ठीक है। अगर चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की सिचुएशन भी अच्छी है आपके चार्ट में, मान लीजिए आपका मून यहाँ पे बैठा हुआ है, तब तो फिर विवाह होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, प्रेम विवाह होने के चांसेस काफी अच्छे हैं। अब सपोज करते हैं आपके सेवेंथ हाउस में मून ही विराजमान है। अब देखिए अगर मून यहाँ पर है शनि के साथ, इसे विषयोग कहते हैं, देख लीजिएगा अगर 12 डिग्री से बिलो दोनों क्लोज है, यानी कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5 डिग्री के शनि है और 15 डिग्री का चंद्रमा है, तो या फिर 12 डिग्री का चंद्रमा है तो एक करीब 12 डिग्री के अंदर का डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, तो ये एक तरह से विषयोग हो जाता है। और विषयोग में होता यह है कि आपके पास मैरिड लाइफ भी होगी, शादी भी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी शादी की लाइफ से बहुत ज्यादा असंतुष्ट रह सकते हैं। देखिए विषयोग का मतलब है जिस भाव में बनता है दैट वो जो भाव है वो विष के समान काम करता है आपके जीवन में, यानी कि ऐसा नहीं कि वो एब्सेंट होगा, वो होने के बावजूद भी आपको वो संतुष्टि नहीं दे पाता जो कि आपको मिलनी चाहिए। सो ये इस तरफ इशारा करता है दोस्तों, तो विषयोग है। इसके लिए मैं अच्छी रेमेडी मैं यही कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको डेफिनेटली चंद्रमा का नक्षत्र देखिए और उस नक्षत्र में हर साल एक बार बाबा भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक जरूर करें। आप यकीन मानिए जीवन कब आसान हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हाँ धीरज के साथ पेशेंस के साथ हर साल इसे करते जाइए, बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। चंद्रमा का नक्षत्र जो है उसी नक्षत्र में, यानी कि एक नक्षत्र 24 घंटे रहता है, तो आप जिस दिन भी आपका जो चंद्रमा का नक्षत्र है पड़ता है सावन के महीने में या फिर एक मकर संक्रांति के बाद, कभी भी इसे करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट जीवन में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य देवता विराजमान है शनि के साथ। देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं जीवन में, यानी कि विवाह के बाद यात्राएं बहुत हो सकती हैं, थोड़े स्ट्रगल भी बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम ये विवाह के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो विवाह में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, और ज्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब शनि अस्त हो जाएंगे, यानी कि अगर शनि कंबस्ट है आपके चार्ट में सूर्य देवता के साथ बैठे हुए, बहुत चांसेस है कि ये दिक्कत देंगे आपके शादीशुदा लाइफ को। एक ही कंडीशन पे चीजें अच्छी हो सकती है अगर बृहस्पति पहले तीसरे या ग्यारहवें में बैठे हैं तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीवन में उठापटक होगी, विवाह में दिक्कतें थोड़ी बहुत आएंगी लेकिन जीवन चल जाएगा, कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, ये हमने समझ लिया। हाँ
सूर्य शनि में ये भी ध्यान रखें कि पिता पुत्र को एक जगह पे काम नहीं करना चाहिए, एक व्यवसाय में नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें अपने जीवन में लीगल अथॉरिटीज के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने से ऊपर के लेवल के साथ बिना मतलब के छेड़छाड़, बिना मतलब के दिक्कत परेशानियां मोल ना लें, ठीक है। और सेम फॉर डिफरेंट की अगर आप अच्छे लेवल पे हैं तो अपने से छोटों को निरादर ना करें, उनके साथ सही बर्ताव रखें। तो दोस्तों ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि अलग अलग ग्रहों के साथ बैठने पे शनि देवता यहाँ पे किस तरह प्रकार का फल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज राहु आ जाते हैं राहु देवता के साथ, तो ये बहुत ज्यादा दिखाता है कि कहीं ना कहीं कास्ट अदर कास्ट में शादी हो सकती है, अदर रिलीजन में भी पर्सन जा सकता है, तो ये एक थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा करता है। बट एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन पिता से संबंधित चीजों के लिए अच्छी होती है, पिता को हेल्प करने वाला व्यक्ति होता है, और ये कॉम्बिनेशन हाँ विवाह को अगेन थोड़ा हर्ट करता है, नो डाउट। बट हाँ अगर आपने अलग जाति या फिर उसमें विवाह किया है तो आपका विवाह काफी हद तक चल जाता है, कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।